हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास सुपर टेट जो कि आपका बैच चल रहा है, बहुत लोगों ने एडमिशन अपना सुनिश्चित करा लिया है और आप भी अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। तो तुरंत आपको एडमिशन सुनिश्चित कराने के लिए क्या करना है कि तुरंत आपको ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, है ना, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। इसी नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप या कॉल के थ्रू अपना प्रोसेस आपको पता चल जाएगा और वहाँ से आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके इसका जो है क्या एडमिशन सुनिश्चित करा के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और ये आपकी डेमो क्लास है और जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेमो के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 अलग अलग टॉपिक का डेमो करेंगे, है ना, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें कि क्या क्या होता है। फिर से मैं आपको डिस्कस कर दूँ सिलेबस के बारे में। ये आपका यूपी टेट, जो लोग यूपी टेट देना चाहते हैं वो भी यूपी टेट के लिए भी हमारे यहाँ बैच प्रस्तावित है, चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। नंबर वही है जो पीछे आपको स्क्रीन पर दिखाया गया था। ठीक है, चलिए देखिए सिलेबस की बात करें तो ये आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस है ना, ये आपका रीजनिंग का पूरा क्या है, सिलेबस है ना। दिख रहा होगा आपको सिलेबस, जरा सा देख के बताइएगा कि क्या सिलेबस आपको सही से दिख रहा है ना, आपको सिलेबस दिख रहा होगा। ठीक है, जिनको नोट डाउन करना है वो अपना सिलेबस नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है, एनालॉगी है, एनालॉगी है, असिस्टेंट रीजन है, बाइनरी लॉजिक है, क्लासिफिकेशन है, क्लॉक एंड कैलेंडर्स हैं, कोडेड इनइक्वालिटी है, डिकोडिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग है, सीरीज है, पजल है, सिंबल्स है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रटेशन है, डायरेक्शन सेंस है, ग्रुपिंग ऑफ सिलेक्शन है और इंटरफेस लेटर सीरीज है। ठीक, इसमें हम लोग आपको 5 टॉपिक जो हम आपको डेमो कराएंगे वो क्या होगा, तो एक तो कैलेंडर होगा, दूसरा क्या होगा, क्लॉक होगा, बाइनरी लॉजिक होगा, है ना, फिर उसके बाद क्या होगा, डायरेक्शन होगा और डाइस कहीं होगा आपका, है ना, डाइस, ये आपका क्या होगा, डाइस होगा। इतने टॉपिक हम 5 टॉपिक का डेमो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास हम शुरू करेंगे किससे, कैलेंडर से, है ना, किससे शुरू करेंगे, कैलेंडर से। तो सभी लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और देखिए वैसे तो कैलेंडर बहुत ही बड़ा टॉपिक है ना, कैलेंडर बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसमें से हम आपको एक पार्ट आज डेमो कराएंगे, जिससे क्या हो जाए कि आपके एग्जाम में क्या सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो पार्ट, तो उस पार्ट को हम सीखेंगे कि कैसे यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो कैलेंडर में बहुत सारे टॉपिक है, कैलेंडर का उसमें हम एक टॉपिक उठा रहे हैं जिसको हम कहते हैं क्या, प्रथम दिन व अंतिम दिन, प्रथम दिन व अंतिम दिन। सभी लोग ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, है ना, प्रथम दिन व अंतिम दिन, ये टॉपिक हमारा है जिसमें हमको क्या करना है, पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे देखिए, तो यहां पे हम एक कंडीशन लिख रहे हैं, क्या क्या, किसी किसी सामान्य वर्ष का, किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन, प्रथम दिन व अंतिम दिन, किसी समान वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है, है ना, किसी सामान्य वर्ष का क्या होता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। ठीक, किसी भी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। यह कैसे होता है और क्यों होता है, ये बात मैं आपको अब डिटेल में समझाता हूँ। ये आपने लिख लिया कि किसी सामान्य वर्ष का क्या होता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। जैसे जैसे देखिएगा, जैसे जैसे मान लीजिए कि हमने दिया 1 जनवरी 2021, है ना, 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, जरा सा बताइएगा,
1 जनवरी 2021 है ना, है ना। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा, है ना। क्या होगा? शुक्रवार होगा। ठीक, एक मिनट, इरेजर ले लेना। क्या होगा? शुक्रवार होगा, है ना। अब ऐसे निकाला तो आप जा सकते हैं, 1 जनवरी का कोड 1, ईयर 21, लीप ईयर 5 और सेंचुरी कोड 6 बटा के साथ 21 कट गया, 6 के साथ कट गया, 5 और 6 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार होता है। ठीक है, तो शुक्रवार होगा। ठीक है, ये आपका कैलेंडर से मिला सकते हैं, मोबाइल में जाके देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2021 को क्या है? शुक्रवार है। तो यहां पे हम कहें कि ये बताइए 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, है ना। 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, अभी हमने स्क्रीन पे आपको कर दिया शो। ठीक, अब आपके मन में आएगा कि क्या होगा इसके लिए, है ना। तो अभी हमने पीछे एक बात लिखी है ना, कि किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है ना। तो आपके मन में एक आता है सामान्य वर्ष, तो वर्ष भी दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या? एक तो होता है हमारा क्या, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और एक हमारा होता है क्या, अधिवर्ष, है ना। एक होता है हमारा क्या, सामान्य वर्ष, और एक होता है हमारा क्या, अधिवर्ष। बात समझ आई? एक होता है हमारा क्या, सामान्य वर्ष, और एक हमारा क्या होता है, अधिवर्ष। ठीक, कैसे पहचानते हैं हम लोग इसकी डिटेल क्लास में सीखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा व्यू देता हूँ कि ऐसे वर्ष जो क्या होता है, अधिवर्ष क्या होता है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। इस वर्ष फरवरी 29 दिन की तथा वर्ष क्या होता है, 366 दिन का होता है। और आगे है कि शताब्दी वर्ष तभी अधिवर्ष माना जाएगा जो क्या हो, 400 से कट जाए। तो यहां पे अगर हम बात करें कि ऐसे वर्ष जो 4 से कट जाए, है ना, वो क्या है, अधिवर्ष है। जैसे अभी वर्तमान का वर्ष क्या है, 2020, क्या है, 2020, और 2020 में क्या है, 20 जो है 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो ये क्या है, अधिवर्ष है। ठीक, और बाकी जो भी वर्ष होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य वर्ष होते हैं। मतलब जो ईयर, और ईयर का मतलब होता है लास्ट की 2 डिजिट, अगर वो 4 से कट जाए तो क्या है, अधिवर्ष है, लीप ईयर है। अगर वो 4 से ना कटे तो वो क्या है, सामान्य वर्ष है। बात समझ में आई? तो ये एक लॉजिक है। तो क्या राय, क्या क्या सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो यहां पे देखिए, ये हमारा 21 जो है 4 से विभाजित नहीं है, 21 जो है 4 से विभाजित नहीं है। तो ये क्या है, यह सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में हम कह सकते हैं प्रथम और अंतिम दिन क्या होगा, समान होगा। तो 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2021 को क्या होगा, सीधे हम लिख सकते हैं यहां पे शुक्रवार होगा। यही हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई? अब डिपेंड करता है आपके दिमाग में है कि प्रूफ करके हम इसको देखें कि यह आके होता कैसे है, है ना। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि वाकई में ये होता कैसे है कि प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कैलेंडर की बात करें तो जो सामान्य वर्ष होता है वो क्या होता है, बताइए, जो सामान्य वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, और जो अधिवर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। बस समझ में आई कि सामान्य वर्ष क्या होता है, अधिवर्ष का होता है, सॉरी, सामान्य वर्ष जो है 365 दिन का होता है, और अधिवर्ष क्या होता है, 366 दिन का होता है, है ना। अधिवर्ष क्या होता है, 366 दिन का होता है। बात समझ में आई? तो अगर हम यहां पे बात करें कि यह वर्ष 2021 कितने दिन का होगा, तो आप कहेंगे 365 दिन का होगा, है ना, 365 दिन का होगा। अब देखिए कि अगर हम कहें कि इसमें से 1 जनवरी का हमको पता है, इसका मतलब कितने दिन शेष बचे, तो इस वर्ष में जो शेष हैं वो कितने दिन शेष हैं, तो आप कहेंगे 364 दिन शेष हैं। कितने दिन शेष हैं, 364 दिन शेष हैं। तो अब देखिए, शुक्रवार प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 364वां दिन, है ना, 364वां दिन। शुक्रवार के बाद क्या होगा, 364वां दिन कौन सा होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। और कोई भी दिन क्या होता है, सातवें दिन रिपीट हो जाता है,
क्या होता है, सातवें दिन क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे आप देखिए देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना, ये सप्ताह के सात दिन हो गए। अब देखिए कि सात दिन बाद ये कैसे रिपीट होता है, एक दो तीन चार पाँच छः और सात। मान लीजिए कि कोई भी जो है सप्ताह एक तारीख से शुरू होता है, तो देखिए अगला सात के बाद क्या जाएगा, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, है ना, बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस, है ना। तो आप देखिए कि सातवां दिन एक सात आठ सात पंद्रह सात बाईस दो सात नौ सात सोलह सात तेईस तीन सात दस सात सत्रह सात चौबीस चार सात ग्यारह सात अठारह सात पच्चीस पाँच सात बारह सात उन्नीस सात छब्बीस छः सात तेरह सात बीस सात सत्ताईस सात सात चौदह सात इक्कीस और सात अट्ठाईस। सातवें दिन क्या होता है, रिपीट होता है और ये आगे भी चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बताइए बताइए, उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस अट्ठाईस सात पैंतीस, है ना, पैंतीस बाद यहाँ क्या आएगा बयालीस, फिर क्या आएगा उनचास। मतलब सातवें दिन क्या होता है, रिपीट होता है, बात समझ में आई, सातवें दिन क्या होता है, रिपीट होता है। तो 364 अगर हम बात करें कि 364 के बारे में, है ना, कि 364 क्या है, अगर हम बात करें आपसे कि 364 के बारे में कि 364 क्या है, तो 364वां दिन अगर हम सात से डिवाइड करें तो ये रिपीट हो जाएगा, है ना, या हम कहें सात चौदह इक्कीस अट्ठाईस पैंतीस पे होगा तो 350 पे भी होगा, मतलब 350वां दिन सेम होगा, है ना, तो उसके बाद क्या होगा 357 और फिर क्या 364वां दिन, तो सात का मल्टीपल है ना, तो ये दिन भी क्या होगा सेम होगा, बात समझ में आई। या हम इसको सीधे क्या करते हैं, सात से डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर क्या आ गया, सेम आ गया, तो ये क्या है सात के मल्टीपल में है और सात के मल्टीपल में है तो दिन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। लेकिन हमको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, हमने सीधे लिख लिया है क्या कि किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। जैसे कभी हमसे पूछ दिया गया, सपोज कीजिए कभी हमसे पूछ दिया गया एक जनवरी 1997 को सोमवार है, एक जनवरी 1997 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा, तो हमने देखा कि ये प्रथम दिन है और ये क्या है अंतिम दिन है, इसका मतलब दिन क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, बस समझ जाए। तो ध्यान दीजिए कि कोई ऐसा हमको जरूरत नहीं है कि वह वर्ष एक जनवरी से शुरू होगा तभी एक ईयर माना जाएगा, हम किसी भी पर्टिकुलर डेट से ले सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका जन्म हुआ है 16 सितंबर 2014 को और दिन है बुधवार, दिन है बुधवार, तो वह एक वर्ष का कब होगा। अब ऐसे थोड़ी कि एक जनवरी को पैदा नहीं हुआ है तो उसका वर्ष ही पूरा नहीं होगा, ये वर्ष पूरा, जो वर्ष 16 से शुरू होगा वो वर्ष पूरा कब होगा, वो होगा पूरा 15 सितंबर 2015, है ना, 15 सितंबर 2015 को पूरा होगा। तो अब देखिए यह अधिवर्ष नहीं है, 14 से 15 में कोई ऐसा वर्ष नहीं आया जो 4 से विभाजित हो, ऐसा कोई वर्ष नहीं आया है, तो क्या होगा सामान्य वर्ष की तरह बिहेव करेगा और सामान्य वर्ष की बिहेव करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बुधवार। मतलब अगर हमसे कोई पूछे 15 सितंबर 2014 को बुधवार है, सॉरी 16 सितंबर 2014 को बुधवार है तो 15 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा। लेकिन दोस्तों प्रश्न एग्जाम में एक तो यहां से पूछता है, एक और प्रश्न बदलता है, इसी में थोड़ा सा अपडेट कर देता है। और अपडेट क्या करता है, जैसे देखिएगा अपडेट क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि एक जनवरी
2021 को क्या है, 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। एक तो अभी हमने सीखा हम क्या करेंगे कि 1 जनवरी 2021 है, क्या है, 1 जनवरी 2021 प्रथम दिन है, तो यहां से हम पहुंच जाएंगे 31 दिसंबर 2021, और ये चूंकि सामान्य वर्ष है तो क्या होगा, बराबर होगा शुक्रवार लिखते हैं। ठीक, अब देखिए 31 दिसंबर 2021 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी को हम सीधे क्या लिख देंगे, शनिवार लिख देंगे, क्या लिखेंगे, शनिवार लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, शनिवार लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या इसको सॉल्व करने का एक शानदार सा तरीका क्या है कि देखिए, जब भी डेट समान हो, ध्यान दीजिएगा, देखिए हम जो ब्लैंक, जब भी डेट समान हो, है ना, डेट समान होने चाहिए, मतलब 1 जनवरी ऊपर है तो 1 जनवरी नीचे, जैसे 16 सितंबर ऊपर 16 सितंबर नीचे भी होना चाहिए, है ना। जब भी डेट समान हो और ईयर डिफरेंस क्या हो, एक हो, है ना, 2021 से 2022 एक हो और वो सामान्य वर्ष हो, तो सीधे हम क्या करेंगे, +1 कर देते हैं, सीधे हम क्या करेंगे, +1 कर देते हैं। बस समझ में आई, जब भी डेट समान हो और ईयर डिफरेंस क्या हो, एक हो और वह सामान्य वर्ष हो, तो हम तुरंत क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर के प्रश्न में देखिएगा, हमने क्या कर दिया, बदल दिया, 16 सितंबर 2014 को बुधवार है, तो 16 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। तो हमने यहां पर देखा कि डेट तो हमारा समान है ना, डेट हमारा क्या है, समान है, और ये डिफरेंस क्या है, एक है, तो सीधे यहां पे +1 कर देंगे और क्या हो जाएगा, गुरुवार हमारा आंसर हो जाएगा, गुरुवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है कि जब भी डेट समान हो और ये डिफरेंस एक हो और वो सामान्य वर्ष हो, तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। जैसे जैसे कुछ प्रश्न हम लिख लेते हैं आपसे, जैसे हमने लिखा 15 अगस्त 2005 को क्या है, रविवार है, 5 को क्या है, रविवार है, तो 15 अगस्त 2006 को कौन सा दिन होगा। अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे, कि यदि 2005 में स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया हो, तो अगले वर्ष यह किस दिन मनाया जाएगा। इस प्रकार से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि 2005 में स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया हो, तो अगले वर्ष यह किस दिन मनाया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, रविवार है, 15 अगस्त 2005 क्या है, क्या है, रविवार है, तो हमने देखा कि डेट क्या है, समान है, और ईयर डिफरेंस क्या है, एक है, तो यहां पे भी क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। बस समझ आई, तो सामान्य वर्ष में एक वर्ष का एक जोड़ते हैं, तो यही अगर 2 वर्ष हो तो 2 जोड़ देंगे, 3 वर्ष हो तो 3 जोड़ देंगे। जैसे जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 26 जनवरी 2017 को मंगलवार है, 26 जनवरी 2017 को क्या है, मंगलवार है, तो 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहां पे डेट क्या है, समान है, और ये डिफरेंस कितना है, 2 है, और दोनों सामान्य वर्ष है, क्योंकि बीच में अधिवर्ष नहीं आया है, दोनों क्या है, सामान्य वर्ष है, बीच में अधिवर्ष नहीं आया है, तो 2 वर्ष है ना, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, और ये क्या हो जाएगा, गुरुवार हमारा आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आई? तो ये बात आपको समझ में आई क्या कि जब भी डेट समान हो और ईयर डिफरेंस एक हो तो एक वर्ष का एक जोड़ेंगे, दो वर्ष का दो, तीन वर्ष का तीन, ऐसे जोड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 365 दिन होते हैं और 365 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आता है? एक आता है। बात समझ में आई? अब आपके दिमाग में प्रश्न बन गया, चलिए हमको सामान्य वर्ष का तो समझ में आ गया, अगर यही वर्ष अधिवर्ष हो जाए तो, है ना, अगर यही वर्ष क्या हो जाए, अधिवर्ष हो जाए तो क्या कॉन्सेप्ट होगा? तो आइए उसको समझते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए अधिवर्ष लिख रहे हैं हम, लाइन समझिएगा, किसी किसी अधिवर्ष का, अधिवर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से, किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन ज्यादा होता है। क्या है? किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से क्या होता है? एक दिन ज्यादा होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें, आप तो लाइव टेस्ट कर सकते हैं, जैसे तुरंत मोबाइल निकालिए और देखिए कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। अगर हम इसको निकालें तो बुधवार होना चाहिए, 0 20, है ना, फिर 5 और फिर क्या हो गया 6, 20 और 21, 6 5 11 कितना आ गया 4, 4 का मतलब क्या हो गया? बुधवार, है ना, क्या हो गया? बुधवार। अब ध्यान से देखिएगा, आपके लिए लाइव उदाहरण है कि अगर 1 जनवरी 2020 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2020, आप तुरंत मोबाइल में जाके देखिए 31 दिसंबर 2020 कब समाप्त होगा, तो क्या होगा? गुरुवार को समाप्त होगा, है ना। तो नॉनवेज खाने वाले क्या करेंगे? गुरु 31 को नहीं खाएंगे, कब खाएंगे? एक को खाएंगे। अब जो सर्वदिन खाता है उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो क्या होते हैं, कुछ दिन बचाते हैं, कौन कौन सा? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो मंगलवार गुरुवार को छोड़ देंगे 31 तारीख को, और 1 तारीख को जो है पशु पक्षियों का भोजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 जनवरी 2020 को क्या है? बुधवार है। 31 दिसंबर 2020 को क्या हो जाएगा? गुरुवार होगा। मतलब क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन लिखी है क्या कि किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन क्या होता है? प्रथम दिन से एक दिन ज्यादा होता है। क्या होता है? किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन क्या होता है? प्रथम दिन से एक दिन ज्यादा होता है। तो वही बात है कि अधिवर्ष कैसे पहचानेंगे? ऐसे वर्ष जो क्या हो, 4 से कट जाए, है ना, ऐसे वर्ष जो क्या हो, 4 से कट जाए, वो क्या माने जाते हैं? अधिवर्ष माने जाते हैं। और यहां पर 20 जो है 4 से विभाजित है, तो यह क्या हो जाएगा? अधिवर्ष हो जाएगा, ठीक। प्रश्न उठता है कैसे और ऐसा क्यों होता है, है ना, प्रश्न उठता है कि यह कैसे होता है और ऐसा क्यों होता है कि अधिवर्ष में जो है एक दिन ज्यादा होता है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने अभी आपको बताया है कि अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। जैसे 2020 में पूरे वर्ष में कितने दिन होंगे? तो 2020 के पूरे वर्ष में 366 दिन होंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या है कि हमने क्या बताया था कि किस अधिवर्ष क्या होता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। इस वर्ष फरवरी 29 दिन की तथा वर्ष 366 दिन का होता है। और शताब्दी वर्ष तभी अधिवर्ष माना जाता है जब वो क्या हो, 400 से विभाजित हो। शताब्दी वर्ष तभी अधिवर्ष माना जाता है जब वो क्या हो, 400 से विभाजित हो। बात समझ में आई, क्लियर है ना। तो अब देखिए ये वर्ष क्या है, 366 दिन का है और 1 जनवरी चला जा चुका है, तो इसमें शेष कितना है? 365, है ना, शेष कितना है? 365। तो यहां पे हम कह सकते हैं बुधवार से 365वां दिन, बुधवार के बाद 365वां दिन। तो हम इसको किससे विभाजित करेंगे बताइए? हम इसको 7 से विभाजित करेंगे कि नहीं? 7 से विभाजित करें, क्यों? क्योंकि 7वां दिन क्या होता है? रिपीट होता है। किसी भी पर्टिकुलर डेट से 7वां दिन क्या होता है? रिपीट होता है। हमने पीछे एग्जांपल देके आपको समझाया,
कि किसी भी डेट से सातवां दिन क्या होता है, रिपीट होता है, आप मोबाइल के कैलेंडर में भी देख सकते हैं। इसलिए हमने इसको क्या किया, सात से विभाजित किया। अब हमको पता है कि 364 सात का मल्टीपल है, इसका मतलब 364वां दिन क्या होगा, सेम होगा। जैसे बुधवार से 364वां दिन क्या होगा, बुधवार होगा, तो 365वां क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। या हम इसको करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 5 35, 1 15, 7 2 14, यहाँ पे एक क्या आया हमारा, शेषफल आया, रिमाइंडर आया, है ना, शेषफल या रिमाइंडर कितना आया, एक आया, है ना, रिमाइंडर कितना आया, एक आया। और इसी एक को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा गुरुवार। इसीलिए हमने वो लाइन कही है कि किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से क्या होता है, एक दिन ज्यादा होता है। क्या होता है, किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन क्या होता है, प्रथम दिन से एक दिन ज्यादा होता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कहा, हमने आपसे कहा क्या, कहा क्या कह रहे हैं, कुछ भी ले डेट, 1 जनवरी 2016 को सोमवार है, 1 जनवरी 2016 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, है ना, 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो बताइए इस सर्कल में अधिवर्ष या अधिवर्ष का मतलब क्या, 29 फरवरी आएगी, है ना, तो ये अधिवर्ष जिस सर्कल में 29 फरवरी आ जाए वो क्या माना जाएगा, अधिवर्ष माना जाएगा, है ना, जिस सर्कल में 29 फरवरी आ जाए वो क्या माना जाएगा, अधिवर्ष माना जाएगा। तो ये अधिवर्ष है, और हमको पता है कि अधिवर्ष का अंतिम दिन क्या होता है, प्रथम दिन से ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होता है, एक दिन ज़्यादा होता है, और एक हमने ऐड कर दिया, और ये हमारा मंगलवार क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, अधिवर्ष में क्या होता है, तुरंत हम क्या करते हैं, एक दिन जोड़ देते। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जरूरी नहीं है कि वर्ष हमारा 1 तारीख से शुरू हो, यह जरूरी नहीं है कि वर्ष हमारा क्या हो, 1 ही तारीख से शुरू हो, यह तारीख अलग भी हो सकती है। तो हमको ये ध्यान देना होता है कि उस सर्कल में 29 फरवरी आ रही है कि नहीं आ रही है, तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने एक सिंपल सा बात लिखा, हमने लिखा क्या, 20 मई 2011 को शनिवार है, है ना, 20 मई 2011 को शनिवार है, तो 20 मई 2012 को कौन सा दिन होगा, है ना, 20 मई 2012 को कौन सा दिन होगा। बस समझ में आई। और यही हमने दूसरी तरफ एक डेट और लिख दिया, हमने लिख दिया 20 नहीं, हम इसको यहाँ से 19 कर लेते हैं, अभी हम लोग प्रथम और अंतिम दिन, ठीक है, 20 मई 2012 को सोमवार है, सोमवार है, तो 19 मई 2013 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए, अब हमने इसको जो है 1 तारीख से शुरू नहीं किया है, है ना, अब इसे बताइए कौन से में अधिवर्ष का कॉन्सेप्ट लगेगा और किस में अधिवर्ष का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो हमने ध्यान दिया, हमने आपको सिखाया है क्या कि अधिवर्ष उसी सर्कल में आता है जिस सर्कल में 29 फरवरी आती है। तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि 29 फरवरी कौन से सर्कल में आ रही है, क्या ध्यान देना होगा, 29 फरवरी कौन से सर्कल में आ रही है, है ना, इसका मतलब क्या हुआ 29 फरवरी। जैसे अगर हम इस सर्कल में बात करें तो 29 फरवरी
2012 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर हमको 19 मई 2012 तक जाना है तो 29 फरवरी तक से होके जाना होगा, तो यह सर्कल हमारा क्या माना जाएगा? यह सर्कल हमारा अधिवर्ष माना जाएगा, यह सर्कल हमारा क्या माना जाएगा? अधिवर्ष माना जाएगा। और ये चूंकि अंतिम दिन है तो एक दिन जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा, है ना। लेकिन इस सर्कल में, 29 फरवरी 2012 नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत ही 20 मई से हुई है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत ही किससे हुई है? 20 मई से हुई है। तो क्या इसमें अधिवर्ष आएगा? 29 फरवरी आएगा तो नहीं आएगा। तो यह किस तरह बिहेव करेगा? यह जो है सामान्य वर्ष की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे सेम हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या? सोमवार। बात समझ में आई? तो महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि हमको इस बात का ध्यान देना है कि किस वर्ष में अधिवर्ष आ रहा है और किस सर्कल में अधिवर्ष नहीं आ रहा है। बस समझ में आई? तो ध्यान दीजिए कि किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। और किसी अधिवर्ष का क्या होता है? अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन ज्यादा होता है। इतना डिटेल में, डीप में हमने आपको समझाया, सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम यहां से जरा सा और देखते हैं क्या चीजें कैसे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए अब हम कुछ कर दें कि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अपडेट कर दें, और हमने कहा 1 जनवरी 2020 को क्या है? बुधवार है, बुधवार है। तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, है ना? 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? डेट समान हो गया, तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो अभी हमने आपको सिखाया, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, चूंकि 1 जनवरी 2020 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 31 दिसंबर 2020, और ये क्या हो जाएगा? गुरुवार, क्योंकि एक दिन ज़्यादा होता है, तो प्लस वन कर लिया, है ना, प्लस वन कर लिया। 1 जनवरी 2021 को यहाँ पे भी क्या करेंगे? प्लस वन कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? यदि डेट समान हो, क्या हो? यदि डेट समान हो और ईयर डिफरेंस कितना हो? एक हो, है ना। यदि डेट समान हो और ईयर डिफरेंस कितना हो? एक हो, और वह अधिवर्ष हो, है ना। ईयर डिफरेंस कितना हो? एक हो, और वह अधिवर्ष हो, तो कितना ऐड करते हैं? दो ऐड करते हैं। बात समझ में आई? यदि डेट समान हो और वो क्या हो? अधिवर्ष हो, तो कितना ऐड करते हैं बताइए? तो हम कितना ऐड करते हैं? दो ऐड करते हैं। बात समझ में आई? क्या करते हैं? दो ऐड करते हैं। टोटल हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन जाए? डेट समान हो, डेट क्या हो? समान हो, तो क्या होता है? दो वर्ष हो सकते हैं, सामान्य वर्ष हो सकता है, और क्या हो सकता है? अधिवर्ष हो सकता है। तो सामान्य वर्ष में क्या करेंगे? प्लस वन, और अधिवर्ष में क्या करेंगे? प्लस टू। टोटल कोर्स का आज हमने जो पढ़ा 30 मिनट में, उसका सार बस यही है, इतना समझने के बाद कि डेट समान हो और वो सामान्य वर्ष हो तो कितना ऐड करना है? एक ऐड करना है, ईयर डिफरेंस जब एक हो तो, और डेट समान हो और वह अधिवर्ष हो तो कितना ऐड करना है? दो ऐड करना है। जैसे प्रश्न मैं आपको देता हूँ, हमने कहा 1 जनवरी 1984 को कौन सा दिन है? गुरुवार है। तो 1 जनवरी
1985 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 1985 को कौन सा दिन होगा? सभी लोग आंसर दें तेजी से, कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर, है ना, कि कौन सा दिन होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखें, ठीक है, लिखिए जरा सा तेजी के साथ। तो देखिए ये क्या है, डेट समान है, डेट समान है, और ये क्या है, अधिवर्ष है, लीप ईयर है, तो कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे और क्या हो गया, शनिवार हमारा आंसर हो गया, सेकंडों में आंसर दीजिए, है ना, शनिवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेट समान है और ये डिफरेंस क्या है, 1 है, और 1 है तो अधिवर्ष का कितना ऐड करते हैं, अधिवर्ष का हम 2 ऐड करते हैं, ठीक, बात समझ में आई। तो सभी लोग, क्लासेस आपकी बेहतरीन होने वाली है सुपर टेट की, तो टेट सुपर टेट जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत क्या करें, आप स्टडी 91 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और वहीं से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, हम पे भरोसा करना है और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी ईमानदारी सारी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी कि आपको टीचर बनने का सपना क्या होगा, साकार होगा, ठीक है। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा जो कि आपके सिलेबस में कुल 5 नंबर का है, और 5 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, 1 नंबर महत्वपूर्ण होता है, नंबरों का दर्द उससे पूछिए जो पिछली परीक्षा में कुछ एक नंबर से चूक गया हो नौकरी पाने से, बात समझ में आई। तो चलिए अगला सवाल मैं आपको देता हूं, अब ये जरूरी नहीं है कि कोई वर्ष हमारा एक ही तारीख शुरू, हमने कह दिया क्या 26 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 26 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, क्या हो जाएगा, बताइए बताइए, इसको प्रश्न को ऐसे भी बन सकता है, यदि गणतंत्रता दिवस वर्ष 2004 में रविवार को मनाया गया है तो 2005 में यह किस दिन मनाया जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें सीधे कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं, क्या, विकास सिंह रीजनिंग, यहाँ से नहीं, मैं आपको आगे लिख के देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है, विकास सिंह रीजनिंग सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक, और जो भी डाउट्स है आपके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, टोटल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब डेट समान हो या डिफरेंस 1 हो तो हम कितना ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, और जब डेट क्या हो, समान हो, लीप ईयर हो, तो कितना ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं दोस्तों, गुड बाय एंड जय हिंद।